तो अभी हम देखेंगे पिक्चर, किसी पिक्चर को कैसे फोरग्राउंड, फ्रंट में और बैक में ले जाया जाता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ दो पिक्चर ले आ देनी पड़ेगी स्क्रीन पे। अभी देखिए हमारे पास दो पिक्चर है, एक ये है और एक ये। अभी इसको पीछे करना है, इस पिक्चर के पीछे इसको करना है। क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, क्या कहाँ क्लिक कर दोगे, सेंड टू बैक में। देखिए ये पीछे चला गया, ये पिक्चर आ गया, है ना। अभी इसको पीछे करना है तो इसको सिलेक्ट करोगे और कहां से क्लिक करोगे, सेंड टू बैक। इसको अगर सामने ले आना है इस पिक्चर के, तो कहां क्लिक करोगे, ब्रिंग टू फ्रंट। देखिए फ्रंट आ गया और ये पीछे चला गया, चला गया ना, ये पिक्चर पीछे चला गया। यहाँ ऐसे कर लो तब तो पता चलेगा, ये सामने है, ये पीछे है। अभी इसको पीछे करना है, ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर दो, पीछे चला गया वो पीछे चला गया, ये आगे आ गया। दो पिक्चर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। ये देखो ये पीछे है और ये आगे है, इसको आगे करना है, ब्रिंग टू फ्रंट करो, ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया उसको। तो ये है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक करने का प्रोसेस। और टेक्स्ट रैप जाओ, टेक्स्ट रैप में यहां है सबसे अच्छा ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन, क्लिक कर दो। देखो टेक्स्ट इस पिक्चर के ऊपर भी टेक्स्ट लिखने लगा, अभी पिक्चर है और पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट है। टाइट का मतलब क्या, जहां रहेगा उसके अगल बगल टेक्स्ट रहेंगे, उसके पिक्चर के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब भी सेम ही है, चारों तरफ से छूटा रहेगा। ऐसे करके बहुत सारे हैं, जो कमाल का ये फीचर है यही है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लो। टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट इसके पीछे छिप गया, देख लो टेक्स्ट छिप गया, इन बिहाइंड टेक्स्ट कर दो, तो ये पिक्चर बिहाइंड टेक्स्ट हो गया, मतलब टेक्स्ट के पीछे चला गया है पिक्चर, ठीक है। तो अभी हम देखिए कैसे पिक्चर को अपोजिशन करना है, यहां से कर सकते हो, ये देखो। तो अभी इस वीडियो में देखे हैं कि कैसे पिक्चर को पोजीशन दिया जाता है, ब्रिंग टू फ्रंट किया जाता है, ब्रिंग टू बैक किया जाता है, और टेक्स्ट रैपिंग। ये चारों ऑप्शन हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है।